वेलकम टू माई YouTube चैनल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर दैट इज आर एनवायरमेंट द एनवायरमेंट इंक्लूड आर फिजिकल सराउंडिंग लाइक एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती? होती है जैसे एयर प्रेजेंट होता है वाटर प्रेजेंट होता है वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और सॉयल प्रेजेंट होता है एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स है जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जैसे प्लांट हो गया एनिमल्स हो गया ह्यूमन बीइंग हो गया और क्या प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है बैक्टीरिया आता है और क्या आता है फंगी आता है इन्वायरमेंट में फिजिकल सराउंडिंग जैसे कि एयर प्रेजेंट होता वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होती और क्या प्रेजेंट होता है सॉयल प्रेजेंट होता ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी चीज़ें बिलोंग करती है जैसे प्लांट प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है एनिमल्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग प्रेजेंट होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जैसे बैक्टीरिया हो गया और क्या हो गया फंगी हो गया देन ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाई द वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैन एंड एनिमल्स जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं बाई द एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स एंड मैन आर पॉइजनस टू सम एक्सटेंट एंड कैन बी डिवाइडेड इन टू अ टू मेन ग्रुप ये क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं इन्वामेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं उसके बेस पर इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया सबसे पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पहला क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दूसरा क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर ड्यू टू द कोर्स ऑफ अ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया आ गया फंगी आ गया ये ईजिली उसे ब्रेक डाउन कर दे बिना नॉन पॉइजनस मीन्स उसे क्या करे पॉइजनस ना बनाए नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट मटेरियल सिंपली ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो उसको ब्रेक डाउन कर दे ईजिली ब्रेक डाउन कर दे और उस सब्सटेंस को कैसा बना दे नॉन पॉइजनस बना दे उसे क्या कहते हैं उस वेस्ट मटेरियल को कहते हैं बायोड्रेडेबल वेस्ट मटेरियल एग्जाम्पल में जैसे वुल हो गया पेपर हो गया वीट हो गया वुड हो गया कॉटन जूट ग्रास फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड एनिमल्स बोन ये सब क्या होते हैं बहुत ही ईजिल इनको जो माइक्रो ऑर्गेज़म प्रेजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी उनको बहुत ही ईजिली क्या कर देते हैं डीकम्पोज कर देते हैं किसके अंदर सॉइल के अंदर या हम बोले डीकम्पोज कर देते या हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन कर देते ईजली और उसे कैसा बना देते हैं नॉन पॉइजनस और बायोडिटेबल वेस्ट जो होता है वो इन्वायमेंट के लिए कैसा होता है नॉन पॉइजनस होता है कि वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है ब्रेक डाउन हो गया पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है कुछ ही दिन में ये क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल द नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोज वेस्ट मटेरियल इसी का जस्ट अपोजिट दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर ऐसा मटेरियल जिसको ये जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं वो उनको डाउन नहीं कर पाते हैं साल दो साल तीन साल भी लग जाते तब भी वो ब्रेक डाउन नहीं होता है उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं नॉन बायोड्यूरेबल वेस्ट मटेरियल और वो क्या होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है हार्मफुल होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एग्जाम्पल में जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज़ को डिज़ोल्व होने के लिए एक साल दो साल तीन साल भी लग सकते हैं तो ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है डीकम्पोज नहीं हो रहा बैक्टीरिया और फंगस को डिकम्पोज़ नहीं कर पा रहे इसको ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहे तो ये क्या है इन्वामेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और जैसे प्लास्टिक बैग ये भी नहीं जल्दी डिकम्पोज होता है और क्या हो गया जैसे बाल पॉइंट पेन की रिफिल जो होती है रिफिल जो होती वो भी नहीं ब्रेक डाउन होती है और मेटल के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जैसे अलमूनियम कैन हो गया आयरन नेल हो गया सिल्वर फॉइल हो गया ये भी क्या होता है ये भी ईजली ब्रेक डाउन नहीं होता है देन नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट में आ गया जैसे कि जो कंप्यूटर का जो वेस्ट निकलता है और जो टीवी का वेस्ट निकलता है एसी से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं इन सब से जो वेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट तो ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते है. उन्हें क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो हो जाते उन्हें क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल द नेक्स्ट टॉपिक इज इको सिस्टम एंड एकको सिस्टम इज अ सेल्फ कंटिनेंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग लाइक अ प्लान्ट एनिमल्स एंड डीकम्पोजर एंड दे आर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दैट इज सॉयल एयर एंड वाटर जैसे कि एनिमल्स प्लान्टे सब और जो ये सॉयल है पॉन्ड्स है लेक है ये सब किसके अंदर आता है ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर आता है तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इंट्रैक्शन होना किसके साथ इंट्रेक्शन होना अपने इन्वामेंट के साथ इंट्रैक्शन होना उसी को क्या कहते हैं उसी को कहते हैं इको सिस्टम इको सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होती है जैसे प्लांट एनिमल पॉन्ड रिवर लेक्स ये सारी चीज़ें सब कुछ किसके अंदर आता है इको सिस्टम के अंदर आता है किसके अंदर आता है इको सिस्टम के अंदर आता है तो इंटर रिलेशन होना ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वामेंट के साथ ये जो इंटर रिलेशन होता है इंटरेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं उसे कहते हैं इकोसिस्टम एग्जाम्पल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गया ग्रास लैंड फॉरेस्ट डेजर्ट माउंटेन पॉन्ड्स लेक रिवर ये सब किसके अंदर आता है इकोसिस्टम के अंदर आता है अब कुछ इकोसिस्टम कैसे होते हैं जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं मीन्स लैंड पे रहते हैं जमीन पे रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं एक्विटिक होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर क्या आ गया डेजर्ट आ गया ग्रास लैंड आ गया फॉरेस्ट होता है क्रॉप फील्ड होता है और क्या होता है माउंटेन होता है ये सब किस में आ गया टेरेस्ट्रियल इको में नेक्स्ट है एक्वेटिक इको सिस्टम एकवेटिक इको सिस्टम से क्या क्या बिलोंग करता है पॉन्ड्स लेक्स रिवर सी एंड एक्वेरियम क्या क्या बिलोंग करता है पॉन्ड्स लेक रिवर सी एंड एक्वेरियम ये किसके अंदर आता है ये आता है एक्टिक इको सिस्टम दे नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम अब हम देखते हैं इकोसिस्टम के पास कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते ऑल द इको सिस्टम आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट जितने भी इको सिस्टम होते वो मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते कौन कौन सा होता है एक होता है ए बायोटिक कम्पोनेंट दूसरा क्या होता? दूसरा होता है दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट सबसे पहले हम बात करेंगे ए बायोटिक कम्पोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम होता क्या है ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है इस इकोसिस्टम के अंदर वो सब किसके अंदर आती वो सब आती है ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट लाइका जैसे सॉयल हो गया वाटर एयर और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर सल्फर ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें आती हैं ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ए बायोटिक का मतलब होता है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है इस इन्वायरमेंट में वो सब किसके अंदर आती है वो सारी आती हैं ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती जैसे क्या क्या हो गया सॉयल वाटर एयर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर वाटर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं नॉन लिविंग होती तो किसके अंदर आएंगी ए बायोटिक के अंदर आती नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट जब ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग तो बायोटिक का मतलब क्या होगा लिविंग बायोटिक का मतलब क्या होता है लिविंग और ए बायोटिक का मतलब क्या होता है नॉन लिविंग थिंग आप देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आता है ऑल द लिविंग कंपोनेंट जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं इस इकोसिस्टम में जैसे प्लांट हो गया और एनिमल्स वो सब किसके अंदर आती है वो सारी आती हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इको सिस्टम इंक्लूड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं बायोटिक कम्युनिटी में जैसे हो गया प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम जो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता हो उसे क्या कहते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं ऑटोट्रॉप्स होता कौन है प्लांट्स कौन होता है प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं खाना बनाते हैं इनके ऊपर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब पूरा टोटली डिपेंडेंट है तो प्रोड्यूसर कौन हो गया ऑटोट्रॉप्स नेक्स्ट इज कंज्यूमर कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम कर रहा है जो खा रहा है उसे क्या कहें कंज्यूमर तो ऑटोट्रॉप क्या होता है कंज्यूमर एनिमल्स क्या हो गए कंज्यूमर हो गए कंज्यूम कर रहे हैं देन नेक्स्ट इज डिकम्पोजर डीकम्पोजर का मतलब होता है कि उसको डिकम्पोज करना ब्रेक डाउन कर देना तोड़ देना तो डिकम्पोजर का, का काम कौन करता है सेप्रोट्रॉप्स कौन करते हैं सेप्रोट्रॉप्स तो प्रोड्यूसर कौन होता है ऑटोट्रॉप कंज्यूमर कौन होता है हेटोट्रॉप डिकम्पोजर कौन से होते हैं सेप्रोट्रॉप्स अब एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की दिस आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देअर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सीओ टू वाटर बाई यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं जो अपना खाना क्या करें खुद बना रहे किसकी मदद से बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से जैसे कार्बन डाईऑक्साइड वाटर इनका यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर और इस पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूसर कौन होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट होता है कौन होता है प्लांट सारे प्लांट वो भी नहीं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट होते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट ही अपना खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाते खुद बनाते हैं सेल्फ मेकिंग फूड अपना खाना ये प्लांट्स क्या करें खुद बना रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स किसका किसका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्लोरोफिल का यूज़ करके अपना खाना क्या बना रहे हैं खुद बना रहे क्लोरोफिल क्या होता है क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियाँ किस कलर की होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं और ये जो अपना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं अपना खाना बना रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं फोटोसेंसिस क्या कहते हैं फोटोसेंसिस जो क्योंकि सनलाइट की मदद से अपना खाना बना रहे हैं फोटो का मतलब हो गया लाइट स का मतलब खाना बनाना लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करें अपना खाना बना रहे हैं किसका किसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्लोरोफिल का यूज़ करके उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहे तो उन्हें क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉस बोलेंगे इसी वजह से लिखा गया ऑल ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं क्या होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में उनके अलावा और कोई भी फूड प्रोड्यूस नहीं करता और सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट और किसी भी कलर के प्लांट फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो क्या हो गया प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कौन होता है प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर ऐसे याद कर सकते हैं पी से प्रोड्यूसर पी से प्लांट देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर कंज्यूमर नाम से पता चल रहा है कंज्यूम करना दोज ऑर्गेनिज्म कैन कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंज्यूम करते हैं जो खाना किसने बनाया प्रोड्यूसर ने बनाया, बनाया. प्लांट्स ने खाना बनाया एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स के ऊपर या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे बट वो अपना खाना खुद नहीं बनाते एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते ये कैसे होते हैं ये होते हैं हेटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाता वो कौन होता है हेटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाता उसे क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स तो एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते वो प्लांट के ऊपर टोटली डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या होते डिपेंडेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं कंज्यूमर तो कंज्यूमर कौन है एनिमल्स आर द कंज्यूमर ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर एनिमल्स क्या है कंज्यूमर है जो कि प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है पूरी तरीके से अपना खाना खुद नहीं बना रहे तो उन्हें क्या कहेंगे हेटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते उन्हें क्या कहते उन्हें क्या कहते ऑटोट्रॉप्स देन कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप तीन ग्रुप में कंज्यूमर को डिवाइड किया गया पहला है हर्बीवर्स दूसरा होता है कार्निवर्स तीसरा है ओमनीवर्स पहला क्या है हर्बीवर्स दूसरा कार्निवर्स तीसरा ओमनीवर्स अब हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे दे नेक्स्ट इज हरवी बोर्ड एनिमल विच ईट ऑनली प्लांट आर कॉल्ड हरवी बोर्ड ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ईट करते उन्हें क्या कहते उन्हें कहते हरबी बोर्ड्स बोलते एग्जाम्पल इज वोफेलो गोट शिप हॉर्स कैमल एलिफेंट मंकी एंड ड्रैबिड दीज ऑल आर दर्वी बोर्ड्स हर्विवर्स क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ईट करते उन्हें क्या कहते उन्हें कहते हैं हर्वी बोर्ड्स दे नेक्स्ट इज कार्निवोर्स दोज एनिमल विच ईट ऑनली अदर एनिमल्स ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते या दूसरे एनिमल को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स एग्जाम्पल इज लॉयन टाइगर फ्रॉग लेजार्ट यह सब क्या होते ये सब होते कार्निवोर्स दैन नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स ओमनीवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को भी ईट करते और उसके साथ साथ एनिमल्स को भी ईट करते उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवर्स देखो लिखा है दोस्त एनिमल विच ईट बोथ प्लांट प्लांट को भी खाते हों और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवर्स एग्जाम्पल इज मैन डॉग क्रो स्पैरो एंड बियर दीज ऑल आर द ओमनीवोर्स हरविवर्स कौन कौन से होते हैं बफेलो गोट, शिप हॉर्स कैमल एलिफेंट मंकी रैपिड ये सब क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं कार्निवर्स क्या होता है जो दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं जैसे लॉयन टाइगर फ्रॉग एंड और ओमनिवर्स जो एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हो एनिमल्स को भी खाते हैं, साथ साथ में प्लांट को भी ईट करते हैं। एग्जाम्पल मैन डॉग क्रो बी है दिस ऑल द ओमनीवर्स देन नेक्स्ट इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड दियर प्रोडक्ट इज फीकल मैटर यूरिन एसेक्ट्रा इन टू सिंपलर सब्सटेंस सिंपल टर्म में अगर हम बात करें डीकम्पोजर की तो डीकम्पोजर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं जो क्या करते हैं जो सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे 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 छोटे, -छोटे पार्टिकल्स में क्या करते ब्रेकडाउन करते जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते सिम्पल सब्सटेंस में ब्रेकडाउन कर रहे हैं और डीकम्पोजर की तरह ऐड कौन करता है डीकम्पोजर की तरह ऐड करता है सेप्रोट्रॉप्स कौन सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स होता क्या है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स एग्जाम्पल इज वल्चर ईगल ये सब क्या होते हैं ये सब डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करें और उस सब्सटेंस को क्या करें जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल क्या करें उस सब्सटेंस को बना दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं डीपोजर क्या बोलते हैं डीकम्पोजर डीकम्पोजर के अंदर आता कौन है सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स होता है क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डी ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर हम देखते हैं कि डिकम्पोजर का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है इस इको सिस्टम में द डिकम्पोजर हेल्प इन डीकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड हैंस एक्ट एज अ क्लीन क्लीजिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट डीकम्पोजर क्या करते हैं डीकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं किसके किसके डेड बॉडी को प्लांट और एनिमल्स के डी बॉडी को क्या करते हैं डिकम्पोज करते इसलिए उनका नाम रखा गया डिकम्पोजर जैसे डिकम्पोजर में क्या क्या आता है बैक्टीरिया आता है फंगी आता है अगर ये इसको डिकम्पोज नहीं करेंगे तब क्या होगा जो ये डिकम्पोज करते हैं जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिय प्रजेंट होता है वो दोबारा से सॉयल में आ जाता है दोबारा से किस में आ जाता है सॉयल में आ जाता है फिर इस सॉयल में जो प्लांट ग्रो कर रहा है फिर वो जो न्यूट्रिय उस सॉयल में है ये दोबारा से किसको मिल गया प्लांट को मिल गया फिर प्लांट को जो कंज्यूम कर रहा है उसे वो फिर से न्यूट्रियट मिल गया फिर उसके बाद उसकी डेड हुई तो वो भी सॉयल में मिक्स हुआ फिर डीकम्पोजर क्या किए उनको ब्रेक डाउन किए फिर से ये क्या हुआ फिर ये इससे प्लांट में आया प्लांट से फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ तो ये साइकिल क्या हो रही है न्यूट्रिएंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज़म फिर दूसरे ऑर्गेनिजम से तीसरे तीसरे से चौथे ये क्या हो रही है ये साइकिल कंटिन्यूस चल रही है स्टॉप नहीं हो रही तो इसीलिए लिए डम्पोजर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं बेनिफिट होते हैं द डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द इको सिटम ये क्या करते हैं रिसाइकिल करते हैं मटेरियल को जो हमारे इको सिस्टम में प्रेजेंट होता है सो दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ में गो ऑन एंड ऑन द अन एंडिंग चेन जिसकी वजह से ये चेन कभी भी खत्म नहीं होती है जिसकी वजह से जो न्यूट्रियन प्रजेंट होता है हमारे इको सिस्टम में हमारे इन्वामेंट में वो न्यूट्रियन कभी भी खत्म नहीं होगा क्यों क्योंकि वो एक बार गया दोबारा से वो किसी न किसी तरीके से क्या हुआ उस ऑर्गेनिज्म में फिर से आ गया सॉयल में गया सॉयल से प्लांट में फिर प्लांट से उसको जिस उस ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम किया ऑर्गेनिज्म में गया फिर ऑर्गेनिज्म की डेड हुई फिर वो सॉइल में गया फिर वो प्लांट